वेलकम है दोस्तों। ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो आज मेरा चैप्टर चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का जो चैप्टर है उसके बारे में आज मैं देखने वाला हूँ। तो ये जो चैप्टर है मैं इसमें क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर मतलब कि जो मुख्यमंत्री का पद क्या होता है, क्या उसका कार्य होता है, उसका रोल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखूंगा, फिर वो चीफ मिनिस्टर कैसे गवर्नर और जो मंत्रिमंडल है उसके साथ कैसे लिंक करता है, कॉपरेशन करते हैं, वो गवर्न करते हैं, ये देखने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो मैं चैप्टर है चीफ मिनिस्टर का ये आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगी, फिर इंडियन जो पॉलिटी होगी या जो वो भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम है वहां पे आपको ये मिल जाएगी दोस्तों। तो ये आज इसका जो पीडीएफ है वो सबमिशन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जो बनाया गया पीडीएफ है वो आपको सबमिशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मतलब पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर का हम लोग सबसे पहले ये हमारा पहला टॉपिक है कि हम चीफ मिनिस्टर का क्या पोजीशन है, हमें मालूम क्या हमारा जो ये सांसद प्रणाली है, हमारा जो प्रधान कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये देता है सांसद प्रणाली, जो सरकार का प्रधान कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं मतलब मुख्यमंत्री होते हैं, ये क्या ये राजनीतिक प्रधान बोला जा सकता है, मतलब कि राजनीतिक प्रधान हमारा चीफ मिनिस्टर देते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशनल कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशनल हेड हमारा जो गवर्नर होते हैं मतलब राज्यपाल होते हैं वो कार्यपाल के प्रमुख होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री वास्तव में कार्यपाल के प्रमुख होते हैं। गवर्नर के नाम पे जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रेसिडेंट साहब के नाम पे पूरा काम होता है इंडिया का, वैसे ही क्या हमारा जो चीफ मिनिस्टर है काम तो वो करेंगे लेकिन किसके नाम पे, गवर्नर साहब के नाम पे, यही कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि प्रमुख तो हमारे होते गवर्नर राज्यपाल साहब, लेकिन क्या मुख्य रूप से कौन, मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री सरकार के जो प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जो राज्य स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र स्तर पे हमारे क्या हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसका कुछ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रधान दिया गया जो हमारा देख लेते हैं, राज्यपाल उनके देखते हैं, राज्यपाल के पास क्या पूरी शक्ति होते हैं चलाने का, गवर्नमेंट करने का, लेकिन क्या होता है इनकी जो मुख्य रूप से शक्ति किनके पास होते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। मुख्यमंत्री जो भी करता है जैसे कि हम लोग देखते थे केंद्र में जो प्रधानमंत्री जो कहता था वैसे ही प्रेसिडेंट साहब साइन कर देते थे, वैसे करते थे, वैसे ही यहाँ पर देखते हैं जो मुख्यमंत्री जो भी करता है, मुख्यमंत्री का मतलब क्या उनके जो मुख्यमंत्री मंडल है वो और मुख्यमंत्री जो भी करता है उस पर गवर्नर साहब क्या करेंगे साइन कर देते हैं, मतलब कि लगभग सभी बातों पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि राज्यपाल के मदद के लिए कौन है, मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही क्या मंत्रिमंडल चलता है, जो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत हमारे जो संविधान में दिया गया है, मुख्यमंत्री किसके मदद से मंत्रिमंडल के मदद से क्या करेंगे, राज्यपाल को सोल्यूशन देंगे, सजेशन देंगे, उसमें वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमारा राज्यपाल करते हैं। अब देखते हैं क्या अन्य जो मंत्री होते मंत्रिपरिषद होते उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन किसी कहने पे, मुख्यमंत्री के कहने पे। अन्य जो मंत्रिमंडल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, लेकिन किसी कहने पे, मुख्यमंत्री के कहने पे करते हैं, मुख्यमंत्री के कहने पर ही करते हैं, मुख्यमंत्री जो चाहेगा वो राज्यपाल करेंगे अगर वो संवैधानिक रूप से होगा तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो करते हैं, अगर उनको बुरा लगता है मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं करते हैं। लेकिन अब देखिए मंत्रीगण का को हटाने की भी बात होती है तो कौन हटाएंगे, राज्यपाल हटाएंगे, लेकिन किसी कहने पर ये मंत्रीगण को हटाने का, अगर कोई मंत्री है तो उसको हटाने की बात हो रही तो कौन हटाएंगे, राज्यपाल हटाएंगे, लेकिन किसे करने पे, मुख्यमंत्री के करने पे। मंत्रिपरिषद के समूह को मतलब कि जवाब देही देना होता है, मंत्रिपरिषद क्या जो हमारे जो विधानसभा है उसके प्रति वो जवाब देही होते हैं,
उनको जवाब देना होता है मंत्रिपरिषद को, हमारे विधानसभा में क्या वहां पे पूछताछ होता है, क्वेश्चन आवर में ये सब होता है, वहां पे उनको बताना पड़ता है कौन सा स्कीम, कौन सा प्रोग्राम वो ला रहे हैं उसके बारे में वो बताना पड़ता है, वो बताते हैं। ये हम लोग देखेंगे संसद का जो सेशन होता है, जो हमारे राज्य विधानसभा होता है उसका जो सेशन होता है उसका एक चैप्टर होगा आगे चल के मैं बनाने वाला वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो पद होता है और गोपनीय का शपथ भी कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं, मतलब कि जो ओथ लिया जाता है, शपथ लिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री जो या हो गया या जो मंत्रिमंडल है उसको जो ओथ दिलाते हैं कौन, हमारे राज्यपाल दिलाते हैं। और अगर इन द केस मान लेते कि कोई आदमी क्या हमारे राज्य विधान परिषद के या विधानसभा के मेंबर नहीं है, वैसे आदमी को क्या करते हैं कि अगर उनको बनाना होगा मिनिस्टर तो क्या करेंगे, उनको मिनिस्टर बनाने के लिए वो उनको तो राजपत्र उस समय क्या करेंगे वो दिवा देंगे, मुख्यमंत्री कहेगा कि इनको मिनिस्टर बना दीजिए, बना देंगे। लेकिन क्या विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर में उनको क्या होता, उस राज्य विधान परिषद या विधानसभा का मेंबर बनना पड़ता है उनको, उनको कहीं से एमएलए के ग्रहण करना पड़ता है, उनको एमएलए की में लड़के जीतना पड़ता है। अगर एमएलए नहीं हुआ तो अगर वो वहां पे क्या होगा भाई, कैबिनेट असेंबली हो गया, अगर वो रुपए दो विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो विधान परिषद से भी उनको बैकडोर एंट्री मिल जाती है, वो विधान परिषद के